स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो एडवांस में और मेंस में काफ़ी समय क्वेश्चंस आते रहते हैं, जब से एनटीए हुआ है इस पैटर्न्स का यूज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पे लोगों को थ्योरी तो बहुत आसान लगता है लेकिन वो जज नहीं कर पाते हैं कि यार क्या रीज़न है कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि यार यही लगाना है। तो मैं इसमें स्टूडेंट की गलती भी बताऊंगा और कैसे कैसे करना है वो सब भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एज ए थ्योरी याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो कहा गया कि इफ़ जेड इज़ प्योरली रियल, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था उसमें कुछ थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ जेड इज़ प्योरली रियल देन रियल पार्ट प्योरली जेड इज रियल है तो इमेजरी पार्ट जेड इक्वल टू जीरो होता है और जेड इज प्योरली इमेजनरी तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो होता है। ये टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिनिश किया था। आज के लेक्चर में जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें भी वही सारे वर्ड है प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो हमें समझना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इफ़ जेड इज प्योरली रियल, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसमें आपको ये स्टेटमेंट साथ दिख गया, तो एक तरीका ये भी होता है ये बात बताने का कि जेड इज प्योरली रियल है। क्या तरीका है कि जिस कॉम्प्लेक्स को प्योरली रियल बोला जाए उस कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट निकाले, उस कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट निकाले और अगर वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड का प्योरली रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी, तो फिर से अगर जेड को प्योरली इमेजनरी बोलना है तो आपको इस जेड का कंजुगेट निकालोगे और माइनस टाइम्स अगर जेड आ जाता है तो आप कहोगे कि जेड इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन के साथ साथ ये बात होती है। अच्छा, ये बात उल्टा भी सही है कि अगर जेड बार इक्वल टू जेड है तो आप ये भी कह सकते हो जो जेड है वो 100% प्योरली क्या है रियल, और अगर जेड बार इक्वल टू माइनस जेड कहीं दिख जाता है तो आप ये भी कह सकते हो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये दोनों तरफ से सही है यानी कि वाइस वर्सा है, ओके। तो अब बात करते हैं, यार ये तो हमने याद कर लिया, अच्छी बात याद करना। अभी मैं आपको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे जल्दी से चीज़ों को मेमोराइज करें, लेकिन उसकी बात हम बाद में बात करेंगे। पहले ये डिसाइड करते हैं कि यही क्यों होता है, ठीक, यानी कि इसकी प्रूविंग की अब हम लोग बात करेंगे। प्रूविंग बहुत आसान है, ठीक, ऑब्वियस है। आइए देखते हैं क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में खासियत है कुछ भी ना पता हो तो जेड को आप ए प्लस आई बी से स्टार्ट कर दो तुरंत विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ओके। अब मैं इसका थ्योरी में अगर देखा जाए तो दो तरह के सिंबल यूज हैं, जेड है और एक जेड बार है। तो हम अपनी तरफ से एक जेड बार निकाल लेते हैं, ठीक, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकेंड इक्वेशन। आपको इतना पता होगा कि ए और बी कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन जब a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जाता है तो ये कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो हमने अपने तरफ से जेड लेट किया और इसके रिस्पेक्ट के हिसाब से हमने जेड बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ओके। अब यार यहाँ पे हम बोलो वन बाई वन a और b दोनों वेरिएबल को फाइंड करते हैं, वो आपका डिसीजन है किस तरह से क्या क्या फाइंड करो। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूँ अगर बाई चांस, तो यहाँ से जेड प्लस जेड बार आ जाएगा लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड आ जाएगा क्या 2a। सो गाइस a इज इक्वल टू व्हाट, जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, ओके। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा सा डिस्कशन करूँ यहाँ पे, आपको साथ साथ नोट भी करना है समझते हुए और फिर बाद में हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। तो यहाँ पे यार a की वैल्यू आ रहा है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2। गाइज आप बताओ ये जो a लिखा है, a दिस इज a, ये जेड का कौन सा पार्ट लिखा है, जेड का ए कौन सा पार्ट लिखा है, रियल पार्ट। आई मीन टू से रियल पार्ट जेड इक्वल टू क्या है, जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। सही। तो अब हम लोग पिछले लेक्चर का थ्योरी यूज करते हैं, आपको पढ़ाया गया था वी नो दैट इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन उसका रियल पार्ट क्या होता था, याद है, जीरो होता था। अगर जेड कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी हो, तो अब बताओ रियल पार्ट जेड कितना आया,
जेड प्लस जेड डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जेड प्लस जेड इक्वल टू जीरो। सो गाइज इस फाइनल आंसर इज जेड बार इक्वल टू माइनस जेड। तो आप देख सकते हो जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, लेकिन ये तब हुआ है जब जेड कैसा था, प्योरली इमेजनरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बात हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। कितना कूल मेथड है प्रूव करने का, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको शायद फर्स्ट टाइम लग रहा हो ऐसा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी टाइप का, कुछ भी ले सकते हो। फिर उसका कंजुगेट निकाला, क्यों कंजुगेट निकाला, क्योंकि प्रूविंग में हमें कुछ जगहों पे जेड बार भी दिख रहे थे इसलिए, ठीक है। फिर एक बार ऐड किया तो उससे हमने ए निकाल लिया, तो ये सारा प्रोसेस हमने यूज़ करते हुए फाइनल आंसर निकाल लिया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट के प्रूविंग का, आगे पीछे प्रूफ हो गया बाई चांस अलग बात है। अब जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड को ऐड करके ए निकाला, अब हमें को बी निकालना है अपने को, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही दो वेरिएबल तो था हमारे पास ए और बी नाम का, तो इसलिए पहले ए निकाला और उससे रिलेटेड काम किया। अब हम लोग बी की बात करते हैं, तब तक आप इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट माइनस सेकेंड, ओके, सो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरह का इसमें प्लान करते हो। फिलहाल में यहाँ सबट्रैक्ट करना मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, तो ये आई बी और सबट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में सेकेंड, तो आई बी और आई बी टू आई बी हो जाएगा और ए से फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से गाइज बेसिकली आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, या चाहो तो आप ये लिख लो, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने टू आई निकाल लिया। अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बी कौन सा पार्ट है जेड का, इमेजनरी पार्ट तो है, जो किसके इक्वल आ रहा है, जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई टू आई, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो भाई आगे क्या है प्रोसेस। अब बताओ वी नो दैट, जैसे हमने पीए लिख के आपको दिखाया था कि जिफ जेड इज प्योरली रियल, ये थ्योरी हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट किस चीज के इक्वल होना चाहिए, जीरो के, और इमेजिनरी पार्ट जेड यहाँ पे भाई साहब आपका है जेड माइनस जेड बार इक्वल टू टू आई डिवाइडेड बाई में जीरो। सो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो, टू आई से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, जेड बार, जेड इक्वल टू क्या आ गया, जेड बार। इसका मतलब है कि जेड इक्वल टू जेड बार ये प्रूफ हो गया, और ये चीज प्रूफ हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्या हमने लेट किया, इफ जेड इज प्योरली इमेज, जेड इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन से हम लोगों ने फर्स्ट भी प्रूव कर लिया सेकेंड का, तो ये तो हमने आपको प्रूविंग बता दिया कि कहाँ से आया था। तो चीज़ों को अगर आप जर्नलाइज करो तो दिख रहा होगा यार काफ़ी लेंदी है, अगर आप इसको रिजल्ट नहीं याद करते हो तो, ओके, काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि ट्रिक नाम कोई चीज़ है नहीं, बट मैंने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को मैं लंबे समय तक याद रखता हूँ, ठीक है। तो जो मैं जिस तरह से मैंने अपने आप को याद कराया है इस दोनों पार्ट को, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्योरली प्योरली दोनों में सेम सेम, रियल और इमेजिनरी में किसकी स्पेलिंग ज़्यादा है, इमेजिनरी की, तो जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा है उसमें एक एक्स्ट्रा साइन आता है जिसमें माइनस है। देखो जैसे इसको अगर मिटा दे तो इन दोनों में कुछ सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, सब कुछ सेम सेम है, जेड बार जेड जेड, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो जिसमें ज़्यादा स्पेलिंग दिखेगा यानी कि इमेजिनरी में ही दिखेगा अंडरस्टूड है, तो सिर्फ उसके बाहर क्या लगा देना आपको, माइनस। मैंने इस छोटे से टर्म से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही वाले बात को फॉलो करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करो, वरना तुम अपने हिसाब से कुछ भी आप बना कर याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ओके, इसको नोट कर लो आप। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक दो कॉन्सेप्ट सिखाया, दो फॉर्मूला सिखाया, उस बेस्ड हमने एग्जांपल लिया है। लेकिन यार क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बहुत सारे वेरिएशंस पहले कर लूँगा, फिर भी बताऊँगा कि क्या रीज़न है कि इस क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक बात का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि गिवन जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई अपॉन टू माइनस थ्री आई माइनस समथिंग देन जेड इज, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने से
कि क्या प्योरली रियल आता है, क्या प्योरली इमेजनरी आता है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आता है या नन ऑफ दीज है। मतलब अगर ये तीनों नहीं सही होंगे तो नन ऑफ दीज टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जो ए प्लस आई भी फॉर्म में हो। प्योरली इमेजनरी मतलब जैसे 3i, -2i, 6i, 5/2i समथिंग, जिसमें सिर्फ आयोटा के टर्म आते हो। ठीक है, और प्योरली रियल मतलब इसमें इमेजरी पार्ट नहीं आना चाहिए, जैसे 5, 6, 9, 2, -1, 0, 3, ये सब क्या है, प्योरली रियल पार्ट। ठीक है, अब बात करें कि इस एक्सप्रेशन को कैसे डिसाइड करें कि ये है, ये है या थर्ड है। तो कुछ स्टूडेंट इसमें बेसिक तरीके का भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या, इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ये सारा चीज, उसके बाद वो सारा काम चलेगा, प्रोसेस जितना भी लेंदी आपको बताया गया है। उसके बाद इसको एकदम सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी फॉर्म बनाएंगे। ठीक, और मान लो हमने ए प्लस आई बी फॉर्म बनाया, सॉल्व करने बाद इस कंप्लीट चीज का आंसर, सपोज दैट मान लो ये आ गया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मान लो सॉल्व करते करते गया ये आंसर आ गया पूरा कंप्लीट मिलाकर। सॉल्व करना आसान है, ध्यान रहे, क्योंकि एलसीएम लेके सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है, काम बन जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे 5 -2i, तो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है ए प्लस आई बी फॉर्म में, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। मान लो सिर्फ ये आ रहा है, ए प्लस आई बी फॉर्म बनाया और सिर्फ इस तरह के नंबर आया, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्या आएगा, बट अगर इस तरह का आता है तो आप क्या आंसर टिक करोगे, इट्स प्योरली इमेजनरी, सो दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मान लो सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद मान लो सिर्फ ये आया, मान लो सिर्फ 5 आया, तो इसका मतलब जेड जो होगा वो प्योरली क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, तो ये बात था इस तरह का डिसाइड करने से पहले हमने इसमें आपको क्या बताया, एलसीएम लेके सॉल्व करना, जो कि बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, एकदम सही है। लेकिन यार बताओ, अगर पावर को बढ़ा दिया जाए 400 400, तो मुझे लगता है कि आप पिछले प्रोसेस से करने की तो छोड़ो, सवाल को पढ़ोगे ही नहीं। ओके, क्योंकि ये पावर यहां पे 400 है, 300 होता, 900, 1000, इन जनरल यहां पे कोई नंबर n टाइप का होता, तो इस तरह सिचुएशन को हम लोग बेसिक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, सही में आया। और फिर भी हमें आपके ऑप्शंस वही है, तो जब हम लोग इसमें एलसीएम लेके आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें टेक्निक होगा। तो यही जस्ट एक आइडिया होता है जब इस तरह के आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो अभी जाकर आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रिप्रेजेंट किए थे जस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या आपको आइडेंटिफाई हुआ कि कैसे पता करते हैं कि जेड इक्वल टू जेड बार सोचना है या जेड इक्वल टू माइनस जेड बार समथिंग। ओके, तो ये कब सोचना है आपको, जब पावर बड़े बड़े हो, कुछ सिमेट्रिकल टाइप के फॉर्मेट भी दिखे, और भी कई सारे वेरिएशन है, आप एग्जांपल करोगे तो आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ओके, सो आइए गाइस देखते हैं इसमें क्या करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो ये जेड दिया है, तो आप बताओ जेड बार क्या होगा, इस जेड का जेड बार क्या होगा। तो जेड बार होता है कंजुगेट, तो कंजुगेट कैसे बनता है, जहां पर भी आई दिखेगा उसके जगह पे माइनस आई से रिप्लेस किया जाता है, तभी जाके क्या बनता है, जेड बार। तो जहां पे आई दिख रहा है वहां माइनस आई से रिप्लेस करो, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 2 -3i ऑल डिवाइड बाय 2 + 3i, ये मैंने रिप्लेस किया है बस क्या फाइंड करने के लिए, इस जेड का कंजुगेट। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, पावर 400 तो अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पे करो, सो दिस इज 2 + 3i एंड होल डिवाइडेड बाय 2 - 3i एंड पावर इज 400। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले ले, और जो कि हो भी रहा है, क्योंकि मुझे मैच कराना है ना इस वाले से, कलेक्ट करना है जेड वाले से, कनेक्ट करके देखना है कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो ये पहले आ गया, ये प्लस वाला माइनस होकर राइट साइड लिख दिया। तो अगर आप गाइस ध्यान से देखो, आपको एक लाइन में आंसर पता चल चुका है कि एग्जैक्टली क्या होगा।
अब आप देख सकते हो माइनस अपनी जगह पे, ये पूरा ब्रैकेट्स देखो, ये वापस जेड है, पूरा जेड है, दिस इज कंप्लीट जेड, लेकिन बाहर माइनस ये कॉमन वाला अपनी जगह पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेकेंड थ्योरम वेरीफाई हो गया है, फुलफिल हो गया है, प्रूफ हो गया है कि जेड बार इक्वल टू माइनस जेड इस रिलेशन में आया। मतलब ये कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बिना सॉल्व किए ये हम उसका नेचर बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो जेड कैसा होगा। जेड इज प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब ऑप्शन के हिसाब से क्या दिस एग्जैक्ट आएगा क्या ये नहीं पता कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्या आएगा, हो सकता है 5i, 3i, 2i, 6i, -9i, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसमें रियल पार्ट कभी भी नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ प्योरली क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ही आएगा। ओके, तो देख सकते हो इसको हम भले ही सॉल्व नहीं कर सके, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स बड़े नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का हम नेचर बताने में बड़े आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि आईआईटी में आया था, ठीक ठाक समय का आया हुआ है, तो इसको हम लोग अब करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि इस तरह के एग्जाम्पल आईआईटी में आया हुआ था बहुत समय पहले, आइए देखते हैं क्या अप्रोच है। तो कहा गया फाइंड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा को वो सेट बताओ फॉर विच ये कुछ एक्सप्रेशन है इज प्योरली रियल। आपको चेक नहीं करना है, आपको नेचर नहीं बताना है, इन्होंने खुद बोला हुआ है कि इस एक्सप्रेशन का जो डाटा है वो प्योरली कैसा है, रियल है, इन्होंने बोला है, मतलब आप इसको यूज करोगे। पिछला एग्जांपल क्या था, वो हमें पता करना था, तो पता करना था इसलिए हमने अपनी तरफ से क्या निकाला था, जेड बार। यहाँ पे क्या करना है, आपको दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन है वो एक प्योरली रियल है, तो ठीक है हम कंडीशन आप क्या लगा देंगे, जेड इज प्योरली रियल का। ओके, फिर आपको बताना है कि जब ये प्योरली रियल होगा तो ऐसा क्या लैम्डा रख के यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया होगा। ये आपके चार ऑप्शन है, क्या कोई भी रियल नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, या इनसफिशियंट डाटा, मतलब डाटा कंप्लीट नहीं दिया गया है। कई बार इस तरह के भी ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलता है, मैंने इसे अपनी तरफ से रैंडम बना दिया। एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ओके, सो नाउ स्टार्ट, लेट जेड इज इक्वल टू 1 iota^λ, 1 iota^7 λ, 1 3i^9 λ एंड प्लस इज 1 3i^11 λ। ओके, सो नाउ स्टार्ट, जेड इज इक्वल टू 1 i। गाइज आप बताओ, आपको i^7 की वैल्यू आई होप आप निकालना जानते हो, i^7 लिख सकते हैं i^4 × i^3, i^4 की वैल्यू 1 हो जाता है और i^3 की वैल्यू माइनस का i, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे माइनस i लिख सकते हैं। 3i^9 सेम प्रोसीजर, 9 को लिख सकते हैं i^4² यानी 8 × i, तो वो हो जाएगा 3 × i। i^11 की वैल्यू माइनस i आता है। प्लीज आप ये सब चीजें यार हम लोग फर्स्ट लेक्चर के दिन ही कर लिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे समय नुकसान नहीं करना चाहता हूँ आपका। ओके, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज कर लिया 1 − 3i। तो यानी ये जो बड़ा सा डाटा था इसको एज ए रिड्यूस फॉर्म में हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्योंकि गिवन है इस डाटा के, वो क्या बोला गया है, प्योरली रियल है, यानी कि इस डाटा को हमने जेड बोला है, तो यानी जेड इज प्योरली रियल। इसका मतलब है कि जेड बार इक्वल टू पक्का क्या आएगा, जेड आएगा भाई, जेड बार निकाले तो जेड आएगा ही आएगा, क्योंकि बोला है, इसने दिया हुआ है, जो जेड है वो प्योरली क्या है, वो रियल पार्ट है। ठीक है, जेड इज प्योरली रियल। ओके, सो आप बताओ गाइस जेड बार कैसे निकाले, जेड बार कैसे निकाले, तो ये रहा जेड, तो इसका बार निकालो, तो आई की जगह पर बस किससे रिप्लेस कर दिया जाए, माइनस आई से, यही आपका निकालने का तरीका होता है, जहां जहां आई है वहां वहां माइनस से रिप्लेस कर दे। So this is the final result
ओके, ये मैंने आपको कंजुगेट निकाल के दिखा दिया. ओके, सो नाउ स्टार्ट जेड. जेड इज व्हाट गिवन दिस जेड 1 प्लस आई लैम्डा 1 माइनस आई के पावर लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 आई के पावर लैम्डा एंड 1 माइनस 3 आयोटा के पावर लैम्डा. ठीक है, अगर यार इस समय अगर दोनों तरफ ध्यान से देखें तो 1 माइनस आई के पावर लैम्डा 1 माइनस आई के पावर लैम्डा, ओके, 1 प्लस आई के पावर लैम्डा, दिस इज आल्सो 1 प्लस आई के पावर लैम्डा. ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट. दिस इज 1 माइनस 3 आई के पावर लैम्डा, इट्स आल्सो हियर 1 माइनस 3 आई के पावर लैम्डा. एंड लास्ट थिंग 1 प्लस 3 आई के पावर लैम्डा एंड दिस इज 1 प्लस 3 आई के पावर लैम्डा. तो गाइस देखा जाए तो लेफ्ट की क्वांटिटी इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के. अरे यार ये मैं प्रूफ थोड़ी किया हूँ, ये आ रहा है कैलकुलेशन करने से. ये ऐसा ना करना कि ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ थोड़ी हुआ है. ये तो मैं लिख रहा हूँ कि LHS की जो वैल्यू है वो बराबर आ रहा है बाई चांस RHS के. अच्छा, इसका मतलब है कि अगर LHS इक्वल टू RHS आया तो लैम्डा की जगह पे मान लो कि हमने 5 रखा, 5 5 5 5 5 5 5 5, तो क्या अभी भी इक्वल होंगे? जब पहले ही से इक्वल है यार तो लैम्डा कुछ भी रखो इक्वल आएगा, चाहे लैम्डा माइनस 1 रखो तभी भी LHS इक्वल टू RHS है, क्योंकि जितना लेफ्ट लिखा है उतना ही राइट हैंड साइड लिखा है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल डाटा लिखा है. यानी कि लैम्डा का कोई भी नंबर ले, आई रिपीट, लैम्डा का कोई भी आंसर ले, किसी भी तरह का नंबर ले, तो इसका जो आंसर आएगा, लैम्डा किसी भी तरह का आंसर ले, कोई भी नंबर ले, किसी भी टाइप का, कोई भी रियल नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा LHS इक्वल टू RHS होगा. तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एनी रियल नंबर. ठीक है, एनी रियल नंबर पे ये डाटा आपस में हमेशा इक्वल होगा. इसको नोट करो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक. ओके, अब हम लोग एक नया टाइप का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं. ये फॉर्मूला आपको आई थिंक कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप इसको अगर गलती कर देते हो तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी बीच बीच में जंप करते करते किसी भी टॉपिक में एंट्री करा सकता है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स में. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको इग्नोर नहीं करना है. पर देखते हैं ये फॉर्मूला हम पढ़ क्या रहे. ये तो जैसे मैथमेटिकली मैं कहूँ कि यार ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो ठीक है मैथमेटिकली लिखते हैं एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, ये तो होता है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मॉड एक्स स्क्वायर पढ़ा गया होगा, तो इसको बहुत लिखोगे दो तरह लिख सकते हो, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स समथिंग, या सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर. तो ये तरीका होता है, किसी भी नंबर का मॉड का स्क्वायर है तो उसको इस तरह से लिखने का हम लोग तरीका जानते हैं. लेकिन ध्यान रहे ये सारे तरीके सिर्फ तभी हैं जब एक्स वाला जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के लगता है. सिर्फ और सिर्फ एक्स अगर कैसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि रियल नंबर, तभी आप उसके मॉड के स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक करोगे. ठीक है, आराम से ध्यान से जो बोल रहा हूँ. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड नाम का और उसका मॉड लगाकर स्क्वायर किया जाए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड और उसका मॉड लगाकर होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसी के हिसाब से यहाँ लिखते हैं मॉड जेड इंटू मॉड जेड, जो कि आपको नहीं लिखना है. ओके, जो हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चंस में वो सिर्फ और सिर्फ ये यूज करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे जेड बार के साथ. तो आपको दिख रहा होगा कि लुक वाइज अलग है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल रीजन के, तीन दोनों चीज मैथमेटिकली सेम ही लिखा है. कैसे, इसका प्रूविंग हम लोग देख लेते हैं क्या रीजन है कि इसको हमने इस तरह से लिखा है. ठीक है, आइए देखते हैं इसकी प्रूविंग के बारे में. किसी भी तरह के इक्वेशंस को प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि उस कॉम्प्लेक्स को आप मान लो ए प्लस आई बी. ओके, सो नाउ स्टार्ट जेड बार. जेड बार क्या हो जाएगा भाई साहब, ए माइनस आई बी, नो प्रॉब्लम, इट्स गुड. अब बताओ मॉड जेड
मैं राइट हैंड साइड से प्रूव करता हूँ, ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। सो राइट हैंड साइड इज वॉट जेड इंटू जेड बार। जेड क्या भाई साहब? ए प्लस आई बी, और जेड बार क्या है? ए माइनस आई बी। इनको आपस मिला लो तो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज आई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड फाइनली इज आई स्क्वायर कुल माइनस वन। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप बताओ इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप बताओ ये जो रूट के अंदर लिखा है पूरा मिलाकर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? मॉड जेड है। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है एज ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हुआ है मॉड जेड, स्क्वायर अपनी जगह पे था तो इसके हिसाब से हम लोगों ने एल एच एस बना लिया। तो एल एच आर एच एस से चले थे और एल एच एस हमारा वापस आ गया। तो देख सकते हो इसीलिए यहाँ पे जेड इंटू जेड बार होगा। मैथमेटिकली अगर आप इसको ये भी लिखते हो तो कोई गलती नहीं है क्या चीज? जैसे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, चलो चेक करते हैं गलती है कि नहीं। तो जैसे बताओ जेड अगर ये माने तो मॉड जेड क्या हो जाएगा? यही तो यहाँ क्या आएगा, ठीक। मॉड जेड क्या होता है? स्क्वायर कर लो। तो मैथमेटिकली दोनों क्या है? रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैथमेटिकली ये भी सही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ, जब भी इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेने के बाद स्क्वायर किया गया हो, मॉड ले एंड देन स्क्वायर हो, तो हमेशा हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे न कि ये। हालांकि मैथमेटिकली ये भी सही है, लेकिन हम जो यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें कुछ लोग कंफ्यूज करता है कि ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे। तो लिखा दोनों सेम है, लेकिन हम जो क्वेश्चंस में यूज करेंगे खास तौर पे वो सिर्फ ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और एक चीज और दूर कर दे, कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड स्क्वायर भी दिख सकता है। क्या क्या? जेड स्क्वायर। सो ये सिर्फ जेड स्क्वायर लिखा है तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, भैया ये सिर्फ जेड स्क्वायर लिखा है। ये तब लगता है जब उस नंबर का मॉड का स्क्वायर हो। तो अगर कहीं भी ऐसा दिखता है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? जेड इंटू जेड। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर होगा तो जेड इंटू जेड लिखेंगे, लेकिन अगर मॉड जेड का स्क्वायर है तो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और अंदर वाला क्या? कंजुगेट। सिर्फ ये दो चीज लिखा जाएगा, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं पिक करूँगा जो कि एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर बात करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। गिवेन जेड वन एंड जेड टू आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू को होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू को होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ब्रैकेट में मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया। अब बात करें इसके प्रूविंग का, तो आप इसके एल एच एस से चल सकते हो। बोले तो वॉट? मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब बात करें इसमें फॉर्मूले की, कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक मॉड है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन प्लस जेड टू, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि जेड वन जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर किया गया है। सो रूल इज वॉट कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिखो इनटू उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से लिखो, और बस जब दोबारा लिखो तो उस पर क्या लगा दो आप? कंजुगेट। तो ये तो रूल था कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, वही लगाया, नथिंग टू चेंज एनीवेयर। सेम कॉन्सेप्ट इज सेकेंड टर्म, इस वाले में भी सेम लगेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये देख सकते हो यार, क्योंकि ये मॉड का स्क्वायर था इसलिए मुझे जेड इंटू जेड बार लिखना पड़ा, इसी से हमारा सारा हेल्प होगा, ओके। सो नाउ स्टार्ट। अब बताओ जेड वन प्लस जेड टू, आपको पढ़ाया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों टर्म्स से काम करते समय कंजुगेट अगर लिया जाए तो सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे जेड वन का अलग कंजुगेट हो जाएगा
और जेड टू का अलग, ये हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जेड वन माइनस जेड टू, ये हो जाएगा आपका जेड वन बार माइनस का जेड टू बार, लग गया, अच्छी बात है। चलो भाई अब समय आ गया है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने का, आपको ये भी पढ़ाया गया था, आई थिंक ये शुरुआत के सेकेंड लेक्चर में रहा होगा कहीं ना कहीं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वही प्रोसेस होता है जैसे कि आप एल्जेब्रिक फंक्शंस में करते हो, कुछ नहीं चेंज करना, सेम तरीका है, कुछ नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार, या आप ये लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जेड वन के इन दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई, अब जेड टू से करते हैं, सो जेड टू इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार, ठीक है, अच्छे से लिख लो, ओके आगे बढ़, अच्छी बात है, अच्छी बढ़ते हैं। सो दिस इज जेड वन इंटू जेड वन बार, सेम वे में चेंज कर रहे हैं आगे, जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार एंड प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा, जेड वन इंटू जेड वन बार ये वापस कलेक्ट करके हम लोग ये लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूले में इक्वल का साइन था ना, तो इक्वल का क्या मतलब, लेफ्ट वाल देखेंगे तो राइट लिख सकते हैं, राइट टाइप को दिखा तो लेफ्ट लिख सकते हैं, जेड वन इंटू जेड टू बार एंड दिस इज जेड वन इंटू जेड टू बार, तो ये देख सकते हो दोनों सेम है लेकिन एक दूसरे से कैंसिल होंगे क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है। अच्छा, जेड टू इंटू जेड वन बार एंड लास्ट थिंग दिस जेड टू इंटू जेड वन बार, ये भी आइडेंटिकल है लेकिन दोनों सेम है इसलिए प्लस माइनस के कारण कैंसिल हो रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जेड टू इंटू जेड टू बार क्या हो जाएगा, मॉड जेड टू का स्क्वायर, जेड वन इंटू जेड वन बार मॉड जेड वन का स्क्वायर, सबसे लास्ट में लिखा है जेड टू इंटू जेड टू बार, जिसको मिलाएंगे तो मॉड जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हो जेड वन मॉड का स्क्वायर और मॉड जेड वन का स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम लिखा है, ये टू टाइम्स हो जाएगा मॉड जेड वन का स्क्वायर, और ये डाटा भी दो बार लिखा है तो दो कॉमन ले लिया जाए दोनों में से, तो एक लाइन में समय बचाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो गाइज आप देख सकते हो दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस डाटा को प्रूव किया, इसको आप अच्छे से नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं जो कि ये भी आईटी में आया था, इस मॉडल से रिलेटेड आया था, नॉट एग्जैक्टली, कुछ डाटा में चेंजेस था, कुछ पार्ट कोऑर्डिनेट्स को मिक्स करके चार ऑप्शन लिखे थे। फिलहाल हम लोग क्वाड्रेंट और टर्म्स अभी नहीं पढ़े इसलिए मैं ऑप्शन थोड़ा सा इजी वे में दिखाऊं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा जो आया था, फिलहाल इस एग्जांपल देखते हैं क्या है। ये लिखा है गिवन मॉड जेड वन एंड सॉरी गिवन जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड टू लेस देन वन है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और ये एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, और देन आपको चार ऑप्शन दिया है, यानी कि मॉड जेड वन आपको बताना है तीन से कम होता है या तीन से ज़्यादा है या तीन के इक्वल है या लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, ओके। सो आई गेस देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकता है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि बड़े वाला डाटा का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, जो लिखा है जेड वन माइनस थ्री जेड टू एंड होल डिवाइडेड बाई थ्री माइनस जेड वन टू जेड टू बार। इस सवाल से हम लोग कुछ चीज़ सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे जो पढ़ा गया था, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किया गया था तो वो इसलिए नहीं कराया गया था क्योंकि बीच बीच में उस प्रॉपर्टी को रिवाइज करने का बीच बीच में कोई ना कोई चीज़ क्वेश्चंस बनते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने पढ़ा था मॉड की प्रॉपर्टी, आप जाकर देखो पिछले लेक्चर में, तो मॉड जो होता है डिवाइड केस में न्यूमिनेटर का अलग मॉड हो जाता है और डिनोमिनेटर का अलग मॉड हो जाता है, ठीक है। अब बताओ डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, इसका मॉड लगा गया है, दिस इज मॉड, और आपको याद है कि मॉड का आउटपुट हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज मॉड का आउटपुट हमेशा क्या आता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो अब बात करते हैं इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइन चेंज नहीं होगा, ये सब रूल आपको इनक्वालिटी में पढ़ाया गया है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार,
सो जेड वन माइनस थ्री जेड टू ग्रेटर देन मॉड ऑफ थ्री माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार। ठीक, तो मैं क्या परेशानी थी यहाँ पे, पॉजिटिव सोचा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर में होता है या 100% निगेटिव नंबर में होता है। ठीक, एक जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसमें मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अब बात करें बोथ साइड होल स्क्वायर की, बोथ साइड होल स्क्वायर की। अब बात करते हैं होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मॉड जेड टाइप का दिखा है तो जब होल स्क्वायर करेंगे तभी वो फॉर्मूला बनेगा जेड इंटू जेड बार। तो इस बात से हमें आइडिया लगा कि हमें यहाँ पे होल स्क्वायर कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड एंड देन होल स्क्वायर। तो रूल इज व्हाट, जेड वन माइनस थ्री जेड टू इंटू जेड वन माइनस थ्री जेड टू का बार, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन थ्री माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार, एंड यार ये जेड टू बार तो क्वेश्चन में खुद का है ना, बगल में क्या है, थ्री माइनस जेड वन जेड टू बार का पूरा कंप्लीट बार लाइक दिस। ठीक है, तो क्योंकि अब स्पेस कम होगा क्योंकि मैं अब मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो एक लाइन और लिख लेते हैं, एक लाइन तक का जगह भी है। कंजुगेट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है सब चीज में, चाहे मल्टीप्लाई हो ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो। कंजुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स का लगता है ना कि कॉन्स्टेंट नंबर का, ये मैंने जब कंजुगेट का बताया था प्रॉपर्टी वहां पे बताया था आपको। थ्री माइनस जेड वन बार, और यहां पे है जेड टू बार, और ये लगेगा पूरे का बार। तो याद करो कंजुगेट का कंजुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो इसलिए मैं कंजुगेट यहाँ से हटा दिया हूँ। भाई ये कॉम्प्लेक्स था जेड टू बार, और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो इसका बार का फिर से बार आएगा, तो इसलिए दोनों बार हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जेड आ जाएगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट, प्लीज़ आप अच्छा से लिख लो इसको, मैं इसको इस साइड मिटा कर इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते। तो देखो यार यहाँ से जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड वन बार प्लस माइनस, माइनस होता है जेड वन इंटू जेड टू में करेंगे तो थ्री टाइम्स जेड वन इंटू जेड टू बार। ओके, दिस इज माइनस थ्री टाइम्स जेड टू इंटू जेड वन बार। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, अब किसी काम का नहीं ये है। सो नाउ स्टार्ट सेकेंड थिंग्स, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री जै नाइन, जेड टू इंटू जेड टू बार ग्रेटर देन, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री थ्री जै नाइन माइनस, माइनस थ्री प्लस माइनस में होता है माइनस थ्री, जेड वन बार इंटू जेड टू, जेड वन बार इंटू जेड टू। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस थ्री में, तो माइनस टाइम्स थ्री वन जा थ्री, जेड वन इंटू जेड टू बार। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस, क्या जाएगा, जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू बार इंटू जेड, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आंसर आने का पूरी कंप्लीट चांस बन चुके हैं गाइज। इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो रही होंगी, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये लिखा है और ये लिखा है। ठीक है, जेड वन जेड टू बार, जेड वन जेड टू बार, तो ये हो गया। जिनको लगता है कि ये कैसे हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि राइट वाले को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर लो, तो जब ये चीज़ इस साइड आएगा तो प्लस बन के आएगा, और ये है माइनस का तो कैंसिल तो हो ही जाएगा ना। अच्छा, ये क्या है, कुछ और कैंसिल हो गया, जैसे ये
थ्री जेड वन बार जेड टू, थ्री जेड वन बार जेड टू, बस आगे पीछे लिखा है, डाटा सेम है, ठीक। तो ये सारी चीज कैंसिल हो गए। अब बताओ जेड वन इंटू जेड वन बार क्या ले सकते हैं, मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस नाइन मॉड जेड टू का स्क्वायर ग्रेटर देन नाइन प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार बोले तो मॉड जेड वन स्क्वायर, जेड टू इंटू जेड टू बार बोले तो मॉड जेड टू का होल स्क्वायर। ओके नो प्रॉब्लम। अब राइट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो भाई साहब, तो देख सकते हो यार आज का जो हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाया मॉड जेड स्क्वायर का, और उसी पे बेस्ड हमने काफी सारे एग्जांपल आपको आज के लेक्चर में करा दिया फिलहाल, ठीक है। ये हो जाएगा और ग्रेटर देन जीरो अपनी जगह पे, राइट का पूरा चीज लेफ्ट लगा दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा जीरो, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे वर्क करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे गाइज अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ आपसे तो वो ये है कि इसमें से और इसमें से और इसमें से और इसमें से कुछ अगर कॉमन लिया जाए तो बड़ा बेटर रिजल्ट बनेगा। तो जो टिक किया है सेम सेम सिंबल को उसको ध्यान से देखो, तो इसमें से मॉड जेड वन के स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर हम माइनस नाइन कॉमन ले लें, माइनस नाइन, तो ये बच जाएगा आपका प्लस वन, ये बच जाएगा माइनस, ठीक है, एंड ग्रेटर देन जीरो। देखो यार कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट करना भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको मैथ आता है बस पागलों तरह सॉल्व करते चले जा रहे हैं, आंसर का ठिकाना ही नहीं कि यार कब तक आएगा। तो इसलिए लुक वाइज आपको पूरा माइंड में देखना चाहिए कि क्या क्या डाटा अवेलेबल है, तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपको दोनों में से अगर कॉमन की बात करें तो वो होगा मॉड जेड टू का स्क्वायर वन माइनस में, और रिमेनिंग इज मॉड जेड वन स्क्वायर माइनस का नाइन, ठीक है। अब बताओ अभी तक हमारे पूरे सॉल्यूशन में, अभी तक हमारे पूरे सॉल्यूशन में किसी भी जगह इस डाटा का यूज़ नहीं हुआ, कहीं भी आप देख लो, कहीं भी हमने इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन अब ध्यान देने का समय आ चुका है। तो अब बताओ क्वेश्चन के हिसाब से आपको गिवन है क्या कि मॉड जेड टू लेस देन वन, अगर बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें तो यह आ जाएगा मॉड जेड टू स्क्वायर लेस देन वन, तो वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। क्या चीज देखो क्या है, इसको इस साइड लाया हूं तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो का सिंबल, ठीक है। अब बताओ इसका मतलब ये है कि वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो डाटा है वो हमेशा जीरो से ज्यादा है, जीरो ज्यादा मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ये चीज हमेशा क्या है पॉजिटिव नंबर, यानी कि इस डाटा को हम लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर ये डाटा नहीं दिया जाता आपको तो आप आई होप इसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसा है। तो इस डाटा का अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है कि इसके जगह पे मॉड जेड टू लेस देन वन लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कहीं कॉर्नर में लिख लो या शुरुआत में या कहीं भी नीचे लिख के आप दिखा दो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे क्या करें, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब बताओ किसी भी इनक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें तो साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे रूल अपने को पहले से पता है। तो ये डिवाइड कर दिया तो ये जीरो हो गया। अब देखो इसको ध्यान से, इसको लो मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मैं यूज करने वाला हूँ, सो दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये कहाँ चला गया भाई, ये तो डिवाइड कर दिया ना जीरो में, तो जीरो चला गया, सिर्फ ये बचेगा। अब बताओ आफ्टर मॉड किसी भी नंबर का आउटपुट हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, जेड वन चाहे जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो मॉड के बाद पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में प्लस थ्री कर रहे हैं यानी कि दो पॉजिटिव को ऐड किया जा रहा है, तो ये आउटपुट भी कैसा आएगा पॉजिटिव। तो फिर से देखो एक डाटा इसमें ऐसा है जो पॉजिटिव बन गया, तो अगर ये पॉजिटिव बना है तो इससे हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं गाइस, डिवाइड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी चैप्टर डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है,
ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि मॉड जेड वन ग्रेटर देन 3। सो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड वन बाय जेड टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू इफ मॉड जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये भी आईडी में ही आया था एक्चुअली, जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे। तो इसमें लिखा है मॉड जेड वन माइनस जेड टू 1 माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू। तो याद करो, किसी भी नंबर का मॉड होता है तो हमें किसी तरह से स्क्वायर बनाना पड़ता है। तब यार इस डाटा में तो कुछ इक्वल में तो लिखा ही नहीं है कि बोथ साइड स्क्वायर बोल के अपना काम चला लें। भाई इक्वल में कहाँ लिखा है, अगर इक्वल में कुछ लिखा होता तो बोल देते हैं कि बोथ साइड होल स्क्वायर। तो इसलिए इक्वल में नहीं लिखा है, तो इसलिए मजबूरी है मुझे मैथमेटिकली इसको इस अंदाज में लिखना पड़ेगा। समथिंग, ठीक है, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू बार, मतलब जेड टू सिर्फ लिखा है। अब बताओ मॉड की प्रॉपर्टी क्या होता है, न्यूमरेटर का अलग, डिस्ट्रीब्यूट एट डिनोमिनेटर का अलग, स्क्वायर अपनी जगह पे, तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यार देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान दे। कुछ लोग कंफ्यूज होकर अपना ही दिमाग लगाने लगते हैं, वो वही लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी नहीं याद करते। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप जो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचपन से याद की हो, वहां पे आपने ब्रैकेट्स में याद किया है। यहाँ ब्रैकेट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, मॉड में नहीं याद किया गया है, ओके। ना कोई फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बाई चांस आज के लेक्चर में मॉड का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग इसको भी बोल देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है समथिंग डायरेक्ट, तो ये गलत है, ठीक है। तो गलत क्या है, क्योंकि हम लोग जो a माइनस बी का होल स्क्वायर से रीड करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता है, मॉड नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन होता तो हम भी बोल देते a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ध्यान रहे इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो हमारे पास मॉड वाला है, तो जब भी मॉड होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का सिचुएशन होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अब कंजुगेट थोड़ा मैं पूरा लिखने ज़्यादा अच्छा है अगर थोड़ा सा अब चीज़ों को रिड्यूस किया जाए, तो जब कंजुगेट करेंगे तो ये पूरा आएगा, फिर अगले स्टेप में कंजुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे, तो मैंने एक ही साथ दोनों एक ही स्टेप में कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जाओ, ये रहा कॉम्प्लेक्स, अब इसका हम लोग करने जा रहे हैं कंजुगेट। बताओ 1 माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू, ये पूरा कंजुगेट होगा, सिर्फ सुन लो, ठीक है, लिखूंगा डायरेक्ट। फिर कंजुगेट की प्रॉपर्टी लाएंगे तो अलग अलग होगा, तो 1 नंबर का तो कोई कंजुगेट होता नहीं, तो ये तो सिर्फ 1 ही रहेगा, हटा दो। तो इन दोनों में अब कंजुगेट होगा। अब याद करो दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां भी कंजुगेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देखो कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट हट जाता है, तो सिर्फ क्या बचा, जेड टू का कंजुगेट। मैंने यार कम से कम इस तरह से करने से आपके कॉपी में 3 स्टेप का बचत किया है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3 स्टेप पूरा दिखा होगा अच्छे से लिख लिख के, ठीक है, स्टेप वाइज, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। अब चलते हैं आगे भाई, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, जेड वन इंटू जेड वन बार, तो ये हो जाएगा मॉड जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार माइनस माइनस प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार बोले तो मॉड जेड टू का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1 माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस प्लस माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू माइनस माइनस प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार, ये हो जाएगा मॉड जेड वन का स्क्वायर
और बगल में एक नंबर और है जेड टू इंटू जेड टू बार, तो ये हो जाएगा मॉड जेड टू का स्क्वायर। रिलैक्स होके चीज़ों को खुद से करो, ज़्यादा बेटर होगा, मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा बचपन से, ठीक है। फिर भी मैंने बोल बोल के यहाँ पे बोल दिया। अब बात करें इस इन्फॉर्मेशन के यूज करने का, तो आप देखो यार मॉड जेड टू का स्क्वायर है, ठीक है, मॉड जेड टू का स्क्वायर है, तो मॉड जेड टू का स्क्वायर सॉरी मॉड जेड टू की वैल्यू वन है, तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में मॉड जेड टू कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, तो एक यहाँ पे है सिर्फ, तो बाकी डाटा एज इट इज आप कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वन, सो वन का स्क्वायर क्या होता है वन। अब यहाँ देखो ये भी क्या हो जाएगा, मॉड जेड टू का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, ये भी गायब हो जाएगा, बाकी कहीं भी मॉड जेड टू नहीं दिख रहा है, यानी कि सबको एज इट इज कॉपी कर लो, तो वन माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस जेड वन इंटू जेड टू में जेड वन का बार लगा है प्लस मॉड जेड वन का स्क्वायर, क्योंकि ये डाटा मिलाकर तो वन हो गया। अब आप देखो ध्यान से, जितना न्यूमरेटर में लिखा है एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में लिखा है, बस आगे पीछे लिखा है, जैसे ये मिडिल टर्म में मिल रहा है यहाँ पे, प्लस वन यहाँ है प्लस जेड वन स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों सारे टर्म कैसे हैं, सेम सेम है, तो अंडर रूट वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर रूट वन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, आइए देखते हैं उसमें क्या है। तो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक नया मीनिंग, थोड़ा सा मीनिंग है, ठीक है, ये मीनिंग बहुत कम देखने को मिलता है एग्जाम में, बट जे मेंस में कुछ साल पहले क्वेश्चन बना था उस पर्टिकुलर नाम पे, तो नाम क्या है ये देखते हैं। तो रूल है कि इफ जेड इज, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाए यूनिमॉडुलर, क्या बोला जाए कि इफ जेड इज यूनिमॉडुलर देन, तो इस यूनिमॉडुलर का मतलब है, आपको नाम में याद रहा होगा यूनि मतलब एक और मॉडुलर मतलब मॉड, यानी इस कॉम्प्लेक्स का मॉड लेने पे यूनिक मतलब एक आता हो, तो देन मॉड जेड इक्वल टू आपको हमेशा क्या लिखना है वन, ठीक है। अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर मॉडुलस लिया जाए यानी एक यूनिमॉडुलर किया जाए, तो इस यूनिमॉडुलर का मतलब होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लें यानी मॉड लें तो रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए एग्जैक्टली वन के, ठीक है। जैसे यार आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि नहीं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लेने पे आंसर कितना आता हो वन, तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे सेम टाइप का है बट यहाँ पे सिर्फ मॉडुलर यूज हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर बेस्ड पिछला क्वेश्चन जो अभी किया था उस क्वेश्चन को हम लोग आज के इस लेक्चर के हिसाब से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना जल्दी आंसर आता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें पिछला क्वेश्चन में, तब बताओ आपको गिवन था क्या, मॉड जेड टू की वैल्यू वन ये था, बताओ अगर मॉड जेड टू के स्क्वायर जब आप वन कर लें बोथ साइड रूल्स स्क्वायर करके, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड टू इंटू जेड टू बार इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से जेड टू बार निकाल लो या आपकी इच्छा है जेड वन निकाल लो, तो कोई भी मैं एक डाटा निकाल लेता हूँ, ठीक है, जेड टू बार इज इक्वल टू वन अपॉन जेड टू, ओके नो प्रॉब्लम, सही अच्छी बात है, सही बिल्कुल सही। अब बताओ क्वेश्चंस में जो पिछला एग्जांपल जो आपको मैंने मॉड जेड टू इक्वल टू वन लिखवाया था उस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे एग्जाम में आपको लिख सकता था वहाँ पे कि जेड टू इज ए यूनिमॉडुलर, तो आप बताओ यूनिमॉडुलर का मतलब ही नहीं समझते हो तो सॉल्व कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जेड टू की जगह पर लिखता कि यूनिमॉडुलर, इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली आपको क्या बताना चाह रहा था, मॉड जेड टू इज इक्वल टू वन, ओके। सो नाउ स्टार्ट फाइंड, फाइंड क्या करना था, कॉपी में देखो क्या था, जेड वन माइनस जेड टू वन माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू, ठीक है, आई होप यही था, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ फिलहाल यही था, नो प्रॉब्लम, सही है। ठीक है, यहां से जो हमने जेड टू इंटू जेड टू बार निकाला था, आप चाहो तो यहां से एक बार जेड टू बार जेड टू निकालो किसके टर्म में, जेड टू बार में, ऐसा मैंने अभी ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ से जेड वन माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई वन माइनस जेड वन बार, जेड टू बार यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड टू,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एक लाइन का है, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू होल डिवाइडेड बाय ठीक है, तो हो जाएगा जेड टू बार माइनस जेड वन बार एंड डिवाइडेड बाय जेड टू बार, जेड टू बार ऊपर चला जाएगा, फिर जेड वन माइनस जेड टू होल डिवाइडेड बाय जेड टू बार माइनस जेड वन बार। अब याद करो ऊपर दो टर्म है कॉम्प्लेक्स के, नीचे एक है, तो दो चीज को डिवाइड किया जाए और उसके बाद मॉड लिया जाए। तो रूल क्या था, मॉड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग कॉम्प्लेक्स का मॉड लिख दिया जाता है। ठीक है, ऊपर से चाहो तो माइनस कॉमन लेके सेट कर सकते हो, ठीक ये हो गया। अब याद करो चाहे जेड का बार ले के बाद मॉड ले या जेड का मॉड ले, वो रिजल्ट सेम होता है। अगर आपको ये रिजल्ट्स नहीं याद है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स में जाकर, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जाकर दो तीन फॉर्मूला लिख लो आप। मैं इसको यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है फॉर्मूला, चाहे मैं जेड का मॉड लूँ, जेड बार का मॉड लूँ, माइनस जेड का मॉड लूँ, माइनस जेड बार का मॉड लूँ, ये चारों रिजल्ट आपस में सेम होता है, ऑलवेज सेम होगा। इस चीज़ को आप जाकर प्लीज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड में जाकर ये चारों फॉर्मूले एक साथ लिख लो, सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ाया था। प्रूविंग बहुत आसान है, आप अपनी तरफ से जेड को ए प्लस आई बी मान लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ रख के सॉल्व करना है, यहाँ यहाँ यहाँ, जब रख के सॉल्व करेंगे तो चार को वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अगर आप जेड को ए प्लस आई बी मान के लगाते हो तो। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो जेड टू का बार लें या सिर्फ जेड टू का बार लें सेम होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब से मैं कहूँ कि कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, ठीक है। अब देखो जेड टू का बार है माइनस जेड वन का बार है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले हम ऐसे लिख लें, जेड टू माइनस जेड वन बार, ठीक, यानी कि मॉड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बार लगा हुआ है, मतलब ये इस तरह का है सेकेंड वाला, तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइप का कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब सिंपली बार हटा के भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहता है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको कल दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें मॉड जेड टू की वैल्यू की, तो वो तो वन हो गया, एग्जैक्टली दिस इज वन, ठीक है। अब बात करें मॉड जेड वन माइनस जेड टू, एंड दिस इज द बेसिकली जेड टू माइनस जेड वन। अब याद करो मॉड जेड का या मॉड ऑफ माइनस जेड का सेम होता है, तो जैसे ये दोनों तो सेम है, बस माइनस टाइम्स का फर्क है, तो इससे क्या सिग्नल मिला कि इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा जेड माइनस जेड टू, ठीक है। तो ये गाइज मॉड जेड वन माइनस जेड टू, मॉड की प्रॉपर्टीज आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, मॉड ऑफ माइनस वन इंटू मॉड ऑफ दिस। देखो यार ये कुछ मैं ज़्यादा ही बड़ा लेंदी बता दिया आपको, वो सिर्फ इस वजह से बताया हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, पढ़ना थे तो मुझे पहले से पता है कि का क्या वहाँ पर रिड्यूस करना है, एक लाइन का सवाल है, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली याद होनी चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा स्टेप्स दिखा रहा हूँ, फिलहाल मैंने पिछला मेथड आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब माइनस वन का मॉड क्या होता है भाई साहब, वन, तो आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे कि जेड इज यूनिमॉडुलर, उससे रिलेटेड पिछला एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ वेरिएशन इसमें अभी और करना है, वो हम लोग करते हैं, सबसे पहले इतना नोट कर लो अभी। जैसे हम लोग थ्योरी अभी पढ़ रहे थे कि इफ जेड इज यूनिमॉडुलर देन मॉड जेड इज इक्वल टू वन, हो सकता है यार कि कुल लोग सिर्फ जेड पे ही चीजों को रटते हैं, ऐसा जो नहीं है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि इफ 3 - 2 Z1 अपॉन जेड टू माइनस जेड, कुछ भी ऐसे रैंडम लिखा हो, ठीक है। तो जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इतना बड़ा, और इस पूरे को बोल दे अगर कि इज ए यूनिमॉडुलर, इज ए यूनिमॉडुलर, क्या मतलब निकल गया था इसका, अगर इस कॉम्प्लेक्स पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉडुलर बोले तो इससे क्या सिग्नल मिला, इससे सिग्नल मिला
कि हमसे क्वेश्चंस में क्या इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली आपको दे रहा है कि जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड करें तो 100% किस चीज के इक्वल आएगा, 1 के। तो ये एग्जांपल देने का एक रीजन है। कुछ लोग स्टूडेंट सिर्फ जेड पे ही याद रखते हैं, बट जेड की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जेड बार, जेड वन, मॉड जेड वन, मॉड जेड टू, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाटा का यहाँ पे यूज करते हैं। गाइज ये फॉर्मूला मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर्टीज या मॉड में जाकर लिख लो, या अगर यही लिखे हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप इसको याद होना चाहिए। ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल कराता हूँ, अगला एग्जाम्पल आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल जरूर आता है, 100% आता है, इस बात गारंटी दे रहा हूँ, हर साल आता है इस फॉर्मेट का जो अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। अब इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। अब हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं आज के लेक्चर का, तो जिसमें लिखा है मॉड जेड वन इक्वल टू मॉड जेड टू इक्वल टू मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू वन, देन फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल का सम किया गया है एंड देन मॉड लिया गया है। ठीक है, अब यार ये इतना इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टेट लेवल हो या मेंस लेवल हो, दोनों टाइप में इस फॉर्मेट के आते हैं। कुछ एग्जाम्पल में जैसे यहाँ 1-1 लिखा है, कुछ जगहों पे 3-4-9 भी आया है, तो उस हिसाब से डाटा भी चेंजेस हुआ है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको खासतौर पे एडवांस में दिखे था। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करें तो जैसे आपको गिवन है मॉड जेड वन का स्क्वायर, सॉरी मॉड जेड वन इक्वल टू 1, तो अगर इसमें बोथ साइड स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। यहाँ से बताओ जेड वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड वन इक्वल टू आ जाएगा 1/z1 बार। तो सिमिलरली जेड टू की वैल्यू क्या आएगा, 1/z2 बार। जेड थ्री की वैल्यू क्या आएगा, 1/z3 बार। ठीक है, ये आ गया, नो प्रॉब्लम। तो आपको टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक को सोचा कि तीनों की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो तीनों की डाटा हमने इस तरह से निकाल लिया। अब बात करें, एक डाटा और दिया आपको। ठीक है साहब, गिवन है वन मोर थिंग्स, व्हाट, z1 प्लस z2 प्लस z3, जिसकी वैल्यू क्या दिया गया है, 1। अब बताओ z1 जगह क्या ले सकते हैं मैथमेटिकली, 1/z1 बार, z2 जगह पे 1/z2 बार, z3 की जगह पे 1/z3 बार, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कंजुगेट सब में डिनोमिनेटर लगा है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखकर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंप्लीट नंबर का कंजुगेट ले सकते हो। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जेड का बॉड ले, मैं लिख के दिखाता हूँ, जेड बॉल ले या मॉड जेड ले, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम अभी लिखवाया था। तो ये लिखे या विदाउट बार लिखे, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। ठीक, तो इसके जब क्या ले सकते हैं, फाइनल 1। ये तो यार इज इक्वल टू क्या चल रहा था, 1 ही चल रहा था ना, ये यानी कि ये जो फाइंड करना था इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये रिजल्ट हमने प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिख के दिखाया, इसलिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस एग्जांपल को अच्छे से फिनिश कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से आपको कोऑर्डिनेट से रिलेटेड के टर्म्स चलेंगे, जिसे हम आर्गन प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन, आर्गन प्लेन, उसमें यार आपको 11th के स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एसआई टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।